thing with high-profile constituencies like Amethi and Raebareli is that it eventually becomes a battle between loyalty and power. It took Smriti Irani 5 years and one loss to defeat Rahul Gandhi from a family bastion of Amethi. Now, Sonia Gandhi is certainly trying to capitalize on this loyalty factor and also sympathy for an ailing ideal bahu of Indira Gandhi. Over the next half hour, I'm going to try and decipher whether the Gandhis can reclaim Amethi and Raebareli. And will the BJP be able to capitalize on the fact and the slogan which they use in Amethi of a missing member of parliament? Rahul Gandhi made his third visit to Amethi in the last 5 years. As his Bharat Jodo Nyay Yatra entered Uttar Pradesh, Rahul Gandhi wanted to make sure that his former constituency was not missed. The streets and by-lanes may be familiar to him and the Gandhi family, but Amethi's feelings towards the Parivar have certainly changed. यहाँ पे एक जमाने पे गांधी परिवार का दबदबा माना जाता था, लेकिन अब स्मृति ईरानी आ गई. उधर बगल में रायबरेली से सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी. क्या यहाँ पे गांधी परिवार का दबदबा आप कहोगे एकदम खत्म सा हो गया है? एकदम खत्म साफ हो गया. उसका कारण क्या है? कारण ये कि अपने सांसद निधि का पैसा तक नहीं खर्च किए. कहाँ गए राम? सम्राट साइकिल यहाँ पे खुलवाया था, वो भी चला गया. यहाँ पे कोई काम किए ही नहीं है, तो कौन सा दबदबा रहेगा? संजय गांधी में एक रुपए में पर्चा बनता था, आज 50 रुपए में पर्चा बन रहा है. क्या किए हैं अमेठी के लिए, क्या किए हैं? लेकिन फिर भी सालों दर साल गांधी परिवार के लोगों का वोट जाता था. मैं आपसे आते हूँ, वोट जाता था क्योंकि एक लगाव सा माना जाता था. लेकिन क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार ने इस बात का फायदा उठा लिया कि लोग हमें वोट देंगे, हम काम करें या ना करें? गांधी परिवार तो ये सोचते हैं कि हम उनको पैसे से खरीद लिए. अमेठी के लोग बिकाऊ थोड़ी हैं कि पैसा देके आप खरीद लेंगे. कारण यही था. आपको लगता है अमेठी में ये बदलाव हुआ है कि अब नौकरी करने का और मौका मिला है? नहीं मैम, अभी तो बीजेपी सरकार में मौका तो मिल रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है इस तरह से मौका मिल रहा है थोड़ा बहुत. बाकी बट राहुल गांधी का बार बार कहना ये था कि मैं युवा हूँ और युवा मेरे साथ है, तो आप जैसे युवा क्यों बोल रहे हो कि राहुल गांधी के अंदर हमें नहीं मिला? तो मैम कहीं ना कहीं अगर उनके क्या कहते हैं नाकामी की वजह से हम लोग उनके समर्थन में नहीं है. बीजेपी कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है, चाहे थोड़ा हो या बहुत कम हो, कहीं ना कहीं वो अपना काम कर रही है युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए. क्योंकि अभी जहां तक देख रहे हैं लगभग लॉकडाउन के, जब से लॉकडाउन लगा है, चाहे कोई भी हो राशन फ्री मिल रहा है अभी तक प्रेजेंट टाइम में. जी, राम मंदिर मुद्दा बनेगा यहाँ पे? बिल्कुल बनेगा. राम मंदिर मुद्दा तो देखो सजेव था, अब भी है, बीजेपी काम किया है उसके लिए सब समर्थन. राहुल गांधी को जाना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी ने तो गए नहीं. नहीं गए तो उसका खामियाजा भोगेंगे. जो जो नहीं गए हैं, जो जो विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का, वो खामियाजा भुगतेंगे. उनको रखा तो अब भविष्य में नहीं आना. ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि अब गांधी परिवार का नाम से कोई फर्क नहीं? तो पतन हो गया. आप देख ही रहे हर जगह टूट रही है कांग्रेस, यात्रा निकाल रहे हैं जगह जगह. राहुल गांधी का नहीं आना, क्योंकि मुझे याद है जब वो हारे थे चुनाव तो उन्होंने कहा था मैं भले ही यहाँ से चुनाव हार गया हूँ लेकिन अमेठी में मेरा परिवार है. क्या आपको लगता है उनका यहाँ नहीं आना नुकसान? नहीं, परिवार किसे आप मानते हैं? यहाँ पे हम लोग जिताए उनको, जिताने के बाद भी वायनाड चले गए अमेठी छोड़ करके. क्यों? विकास तो अब दिख रहा है अमेठी में, चारों तरफ देखिए बाईपास बन गया, रेलवे स्टेशन देखिए, एक ही ओवरब्रिज पूरे अमेठी में नहीं था. पूरे जिले में बात कर रहा हूँ, यही यूरिया के लिए लोग मारा फिरते थे. यूरिया का रेक जो है स्मृति ईरानी के देने की आज गौरीगंज में उतर रही है, यूरिया कम नहीं हो रही. आपको कैसा लगता है? बोलिए ना. बिजली यही 12 घंटे, कभी 6 घंटे रात, 6 घंटे दिन, आज बिजली बराबर मिल रही है किसानों को, कोई दिक्कत नहीं. और हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है. कोई व्यक्ति यहाँ जो भी बैठे नहीं बता सके हमको लाभ नहीं मिल रहा है सरकार की योजनाओं का. For current Amethi MP Smriti Irani, defeating Rahul Gandhi was not easy. She was faced with the intense loyalty which Amethi voters felt for the Gandhi family. But the need for development and opportunities was far greater. हम खेती छोड़ दिए हैं.
In the last 5 years, Smriti Irani has bombarded her constituency with many development projects. Like a Coca-Cola bottling facility or an AK-203 assault rifles factory. Smriti Irani knows that if anything can replace Aastha in the Gandhis, it is Vikas. I was privileged that in the past 5 years, we have seen close to 11,000 crores worth of investment come here. You meet me on a day, 162 projects are kicking off worth 6,523 crores in Amethi. We have the privilege now of a rifle factory, which the Prime Minister was kind enough to give us as an opportunity to serve the Indian Armed Forces with. We have now this largest bottling plant of Coca-Cola in South Asia, soon to become one of the 15 largest plants in the world. We have in the system of poultry and hatchery, the biggest plant in Uttar Pradesh. And we also have 8,000 Lakhpati Didis. In the 2019 Lok Sabha elections, Smriti Irani emerged as a giant killer. Defeating Rahul Gandhi in Amethi was seen as a masterstroke. One of the many reasons for it was the voters' disenchantment with an absent Rahul Gandhi. There is something permanent about a home. Smriti Irani's new house sends out a clear-cut message that I am here to stay. This is in sharp contrast to the perception about Rahul Gandhi, who was an MP from here for 10 years, that he was a tourist MP. In fact, I remember in 2009 when he had visited Amethi along with the then UK Foreign Secretary David Miliband to show him Amethi. He was criticized for showing the wrong side of his constituency. As yet another Lok Sabha election approaches, will it be easy for this star constituency to go back to the Gandhi Parivar? Your house in Amethi sends out a message, I'm here to stay, one. And second, this sense of entitlement that, you know, I belong to a particular family, and many people told me this. Kaam, naam nahi, kaam bolta hai. You think these are the test cases when you emerge as a giant killer? This is a promise that people wanted me to keep. It is a promise that they extracted from me in 2019. I am of the opinion that every promise that I had made, I have fulfilled. And instead of me pontificating about how great a sansad I've been in the past 5 years, I have assured the people of Amethi that with a population that swells over a period of time, challenges may come, I can give solutions, but I'll always be available to serve any challenge that they face. I can only say this while I'm grateful, whoever told you kaam bolta hai, I'm grateful for their kindness. I conclusively can say कि 5 साल पहले राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ा था, आज आप देख पाए अमेठी ने राहुल गांधी को छोड़ दिया। Before 2019, Amethi's voters were so used to promises not being kept that eventually they decided that enough is enough. अच्छा यहाँ पे स्मृति ईरानी है सांसद, यहाँ एक जमाने में राहुल गांधी भी हुआ करते थे सांसद, आप लोग तो यहीं के हैं, आपको कोई बदलाव नजर आया है? बहुत बदलाव आया है जब से मोदी जी हुए हैं, तब से तो अच्छा बदलाव हुआ है, बस यही महंगाई बढ़ती जा रही है। नहीं, महंगाई तो होंगी, तो आप जो बदलाव की बात कर रहे हो वो क्या है? बदलाव बोले तो हर चीज का बदलाव हुआ है यहाँ पे, हर चीज मतलब राशन फ्री में मिलता है, यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक फ्री में मिलता है, कुछ भी बोले तो अपने को ट्रेन में भी गए, स्टेशन पे भी गए, जो अभी आज प्रयाग का था राम मंदिर 500 साल से मुकदमा चल रहा था, मोदी जी जब से आए तब से वो भी क्लियर हो गया, राम मंदिर बन गया, राम भी आ गए। और जो प्रयाग का स्टेशन था, बड़ा स्टेशन था, वो इतना गंदगी थी पहले, अभी बहुत अच्छा हो गया वाला, अभी वहाँ से तो आ रहे हैं हम। अच्छा। अभी वहीं से आ रहे हैं हम। क्या जब आप लोग सांसद के चुनाव या लोकसभा के चुनाव में चुनाव करते हो, क्या आप ध्यान में ये बात रखती हो कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारे जो हमारे लिए रहे, पे खड़ा हो, मतलब उसमें फिर ये अमीरों की ना सुनी जाए, उसमें गरीबों की भी सुनी जाए, जिसकी मदद करना चाहिए उसकी सरकार मदद करे तो अच्छी बात होती है, जिसकी मदद नहीं करनी होती है। बीजेपी के
370 ही पहुंचाएंगे, एनडीए को 400 पार। A supremely confident Prime Minister Modi has already declared that the BJP will get 370 seats in the upcoming elections. Coming fresh off the inauguration of the Ram Mandir in Ayodhya, this confidence is not unfounded. But Rahul Gandhi trashes its significance as an electoral issue. आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा? एक दलित चेहरा देखा? एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था, उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। 73% का एक व्यक्ति नहीं था उसमें। The big question is whether the Congress and Rahul Gandhi can muster the courage to contest from Amethi again. Smriti Irani has given an open dare, but the guessing game is on. वो सब यही कह रहे थे, राहुल जी आप कब वापस लौट आओगे अमेठी? हमारे से गलती हो गई है 2019 में, हमें गलती ठीक करने का हमें एक मौका दीजिए 2024 को। मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा आप राहुल जी के समझाइए कि 2019 में हमारे से गलती हो गई, हमें एक मौका दीजिए वो गलती सुधारने का 2024 में। अंत में राहुल जी जो करेंगे वो ही जानते हैं और सीईसी निर्णय लेगा। अब की बार सत्ता से बाहर। Those present at Rahul Gandhi's rally agree that it's time for a rematch. Rahul Gandhi makes his entry into Amethi and Rae Bareli at a time when the Ram Mandir issue seems to have mesmerized the whole of Uttar Pradesh. However, the Prime Minister and the BJP are making the point that Vikas and Aastha can go side by side. As Rahul Gandhi tries to stake claim once again into what was his constituency and that of his family for a long, long time, he understands that perhaps the only way you can counter the Ram Mandir narrative is if you project Congress Party as one which fights for the backwards, which fights for development. But will this be enough? The people over here say they have been used to development in the last 5 years, and just a name or a surname is not enough. पिछले बार आपको क्यों लगता वो हार गए? पिछली बार क्यों लगता हार गए? हाँ, पब्लिक है, परिवर्तन चाहती है, उसके विचार में आया, परिवर्तन होना चाहिए, पलट दिया। अब फिर उसके ऐसा देख रहा हूँ कि फिर उसकी इच्छा है कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग फिर से चाहते हैं कि राहुल गांधी वापस आ जाए? जी, आपको लगता है राहुल गांधी को यहाँ से लड़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहिए, अमेठी से लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए अमेठी से। आप मानते नहीं हो कि 5 साल में काम हुआ है अमेठी में? आप तो बहुत साल से कोई काम अमेठी में नहीं हुआ, ये आप समझिए। छुट्टा जानवर वो परेशानी है कि किसान एकदम बेहाल। फैक्ट्रियां तो खुली है ना यहाँ पे? बहुत सारे फैक्ट्री खुली है ना यहाँ पे? कोई फैक्ट्री नहीं अमेठी में, कौन फैक्ट्री है? कौन कहता है कि अमेठी कोका कोला का फैक्ट्री है, AK-203 का फैक्ट्री? अरे कोका कोला की एक फैक्ट्री लग गई तो उससे क्या होता है? एक फैक्ट्री में कितने आदमी समायोजित होंगे आप बताइए। सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्या आपको लगता है वहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा को लड़ना चाहिए और यहाँ से राहुल गांधी? बिल्कुल लड़ना चाहिए, यहाँ से राहुल गांधी को और वहाँ से प्रियंका गांधी जी को। दोनों लोग चुनाव जीतेंगे, जीत पाएंगे, एक तरफा जीतेंगे, जीत पाएंगे, क्यों जीतेंगे, क्यों लगता है आपको इस बार? ये हमारे साथ काम किए हैं, हमारे लिए अमेठी के लिए अच्छा काम किए हैं। अमेठी की जमीन उसर थी पूरा, यहाँ पे उसर सुधार योजना ला के राजीव गांधी जी ने यहाँ जमीन को पैदावार किया। इनका कहना है कि 5 साल ही तो हुआ है, इनका तो 15 साल। 5 साल में भी कुछ नहीं किए, जो करना चाहिए था कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। IGT है जहाँ पे राहुल गांधी छोड़ के गए थे, उससे कहीं पे कुछ नहीं बढ़ा है। यहाँ तक कि जो IIIT कॉलेज था, इन्होंने यहाँ पे भादर में है उसको इन्होंने बंद करा दिया। सो देयर आर स्टिल मेनी पॉकेट्स इन अमेठी वेयर यू सी दोस डाई हार्ड लॉयलिस्ट ऑफ द नेहरू गांधी फैमिली, पर्टिकुलर राहुल गांधी। Most of them are urging that Rahul Gandhi should consider contesting from Amethi. The big question is that will he really do so? Because who would want to go in for a second time loss in case that happens? While Smriti Irani is pitching herself as a face of development, for Rahul Gandhi to take her on that count may not be an easy task. One reason the Congress is unwilling to commit is that it simply can't risk Rahul losing in Amethi for a second time.
The reality is that the party suffers from poor election management. Many booth-level workers have left. The organization is weak. Even rounding up volunteers for Rahul Gandhi's yatra in Amethi was not easy. Smriti Irani claims they were brought in from outside. Sonia Gandhi's decision to shift to Rajya Sabha has opened up the possibility of one of her children stepping in from Rai Bareli. But will the seat that once belonged to Indira Gandhi remain a Gandhi bastion? Or will it go the Amethi way? That's coming up after the break. From Amethi, we come to Sonia Gandhi's Karmbhumi, Rai Bareli, which is much warmer to the Congress's first family. People have chai as they wait for Rahul Gandhi's yatra to arrive. They call it a homecoming and want Rahul Bhaiya or Priyanka Didi to take the plunge and contest from Rai Bareli. आप मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले आप काफी खुश हो भैया आ रहे हैं। खुश क्या है मैम, एक्चुअली क्या है, काफी टाइम बाद राहुल जी रायबरेली आ रहे हैं तो हम नहीं, मेरे हिसाब से सभी खुश हैं रायबरेली में कि एक बहुत बड़ा चेहरा यहाँ आ रहा है तो खुश होना भी चाहिए। आपको लगता है उनको यहाँ से लड़ना चाहिए कि अमेठी से लड़े? नहीं, उनको यहाँ से लड़ना चाहिए, उनको जहाँ से अच्छा लगे उनको लड़ना चाहिए। सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है तो उस बात का आपको थोड़ा सा है अफसोस, या उन्हीं के परिवार से बेटा या बेटी? गांधी जी लड़ रहे हैं ना तो अफसोस तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी लड़े लेकिन गांधी परिवार गांधी पास लड़े। यहाँ पे विकास जो चल रही है वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार मेरी दोनों सही है। कामकाज हुआ है यहाँ पे? हाँ, हो रहा है, कामकाज भी चल रहा है, रोजगार सबका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगी लेकिन क्या आप चाहते हो कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से चुनाव लड़े? हमारे तो भूतपूर्व जो है कांग्रेसी नेता जी हैं, उनके बारे में कुछ बताने की बात नहीं है, हम उनको अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। तो आपको लगता है कि सोनिया गांधी की जगह पे या राहुल को या प्रियंका को लड़ना चाहिए? नहीं, लड़ना तो राहुल जी को चाहिए। राहुल जी को लड़े? अमेठी से ना लड़े, आप तो अमेठी के हो। हाँ, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। आप चाहते हो राहुल गांधी यहाँ से लड़े? नहीं, रायबरेली से लड़े, चाहे मतलब अमेठी से लड़े, लेकिन चुनाव लड़े, चुनाव लड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा, विकास का मुद्दा, अभी कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है और वो रायबरेली से है, और सोनिया गांधी यहाँ से नहीं लड़ रही है, उस बात का दुख आप लोगों को है क्या? आपको लगना है कि कोई दुख नहीं है? क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे ये जो नेहरू गांधी परिवार का जो एक कब्जा हुआ करता था अमेठी और रायबरेली में, वो खत्म होता जा रहा है? और अगर आपको लगता है कि हाँ, तो ऐसा क्यों लगता है? राहुल गांधी से बढ़िया यहाँ तो प्रियंका गांधी आज लड़ेंगी तो 100% जीत जाएंगी। ओले जी, आप प्रियंका गांधी को बोलो क्योंकि सोनिया गांधी की जगह सोनिया गांधी जी है, प्रियंका गांधी। ऐसा क्यों लगता है आपको, प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा? लोगों को पसंद है या इंदिरा गांधी की छवि है इसीलिए? जी बिल्कुल, 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 एकदम एकदम 100% कांग्रेस का गढ़ रहा है और ये दिल का रिश्ता उनका रहा है और सब लोग यहाँ उनका राहुल गांधी के साथ नहीं है दिल? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप कह रहे हो कि लड़े जाएं वहाँ लड़े। When Rahul Gandhi entered politics in 2004, Sonia Gandhi shifted to her late mother-in-law's constituency. She resigned from the Lok Sabha membership over the Office of Profit issue and won the sympathy of voters and the polls. But who will take her place now? किसको लड़ना चाहिए सोनिया गांधी की जगह पे? देखिए, गांधी परिवार की सीट है, गांधी परिवार के लिए ही भावना रायबरेली के सभी व्यक्तियों। प्रियंका या राहुल गांधी? देखिए, गांधी परिवार से जो भी आएगा रायबरेली खुले दिल से उसका स्वागत करने के लिए तैयार है और एकदम इतनी भावनाएं जुड़ी हैं लोगों की। यहाँ पे देखिए, परिवार जो है एक है, कोई बंटवारा तो परिवार में है नहीं, लड़के हो या लड़की हो दोनों हमारे लिए जो है एक समान है। गांधी, राहुल गांधी जी लड़ेंगे उनका भी स्वागत है, प्रियंका जी लड़ेंगे उनका भी स्वागत है। एक परिवार जो है, एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि
पाँच साल तक सोनिया गांधी यहाँ आई नहीं और इसलिए यहाँ पे विकास नहीं हो पाया। अब जब जब चुनाव आता है तब तक गांधी परिवार के सब लोग आ जाते हैं। देखिए ये विपक्ष लगातार झूठ बोलता है और ये उतना ही बड़ा झूठ है क्योंकि सोनिया जी अस्वस्थ थी, साफ साफ संदेश में भी लिखा गया है, उस कारण से नहीं आए। नहीं हाँ। यही सोनिया जी हर दूसरे तो प्रियंका गांधी या राहुल भी तो आ सकते थे ना? नहीं वो लोग आए, उनका सारा काम यहाँ कोरोना काल में कौन था? बीजेपी का कोई चांस है यहाँ पे? आखिरकार बीजेपी से ही तो अमेठी में राहुल गांधी को हराया गया था। देखिए रायबरेली की अगर बात करते हैं तो बीजेपी का कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं है, राम मंदिर भी नहीं। रायबरेली की जनता के लिए ये मुद्दा नहीं है, रायबरेली की जनता के लिए गांधी परिवार और रायबरेली की जनता सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा ये। But voters in Raebareli are also keeping an eye on Amethi, which has proven that aspirations and development win the day. In the last Lok Sabha elections, when she emerged as a giant killer, the point which was scored is that a sense of entitlement which the Gandhi Parivar seems to be having, that is something which the people over here in Amethi are not accepting. As she heads into another Lok Sabha elections, Smriti Irani is making it very sure that she wants to have a personal connect with the voters. And also that unlike the Rahul Gandhi factor or Priyanka Gandhi Vadra and the Nehru Gandhi dynasty, she is going to insist that I'm here to stay and I'm ready to listen to all of you. 2014 mein Smriti ji aayi yahan ladne aur sanyog se woh thode voton se haar gayi. Lekin woh barabar haan grooming yahan Amethi ki karti rahi. 50,000 से ज्यादा लोगों का तो उन्होंने बीमा कराया था, मैंने देखा था, वो सेविंग अकाउंट से इन्होंने चेक दिया था लीड बैंक को, वो जो 12 रुपए का था, मोदी जी की स्कीम थी। और हर फेस्टिवल जैसे होली हो, दिवाली हो, साड़ी आके बांटना, लोगों को मिठाई बांटना, कुछ ना कुछ करती रहती। और सुख दुख में जैसे कुछ पता चलता था वो या उनके प्यारों जो विजय गुप्ता जी हो बराबर यहाँ आते रहे और तमाम तरह की स्कीमें लाई यहाँ, चूंकि मिनिस्टर हो गई थी केंद्र में, पेड़ बांटना, फलदार पेड़ बांटना, हमको लगता है कम से कम 2-3 लाख यहाँ पेड़ बांटे गए थे। The BJP will want to drive home the point that like her son, Sonia Gandhi has abandoned her constituency. And the reason she went the Rajya Sabha route is because she sensed defeat. But the Congress is confident. If either of the Gandhi siblings contest from Raebareli, it will evoke a sympathy card, just like Indira Gandhi and Sonia Gandhi did. In 2019, Smriti Irani proved that bastions can crumble. Will Congress's confidence be swept away by BJP's double engine ki sarkar benefits? The Congress is desperate for seats in Uttar Pradesh. So much so that the party has agreed to climb down in its seat-sharing talks with the Samajwadi Party. Because at the end of the day, UP has the most number of seats in the Lok Sabha. It's very important for the Congress Party to counter this narrative which has been built up and also by the BJP that it's a south-based party. Which is why ahead of the Lok Sabha elections, it becomes very critical for the Congress to try and capture the Hindi heartland belt. And what better than what had once been the Nehru-Gandhi Parivar pocket borough? Amethi may have slipped out, but the Congress would still perhaps try its best to reclaim it. And so is the case with Raebareli. But will that really be possible? Well, we've tried to capture some of the voices from the ground. Thank you so much for watching.